घर की तीन महिलाओं के बीच फंस जाते हैं अभिषेक बच्चन। माँ बहन और बीवी ऐश्वर्या से पीछा छुड़ाने का ढूंढते हैं रीजन। जलसा में चल रही तनातनी के बीच बोले जूनियर बच्चन। तलाक की अफवाहों के बीच वायरल हुआ है चौंकाने वाला बयान। अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी शादी होस्ट कर तो हर और सुर्खियां बटोरी ही, तो वहीं शादी में मेहमान बनने के बाद बॉलीवुड की बच्चन फैमिली में चल रही तनातनी की खबरों ने भी गॉसिप्स के गलियारों के बाजार को गर्म कर दिया है। आखिर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अलग अलग पहुंचने के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या इस समय खबरों का हिस्सा जो बने हुए हैं। जहां कुछ दिनों पहले अभिषेक ने तलाक की डिफिकल्टीज से जुड़ा एक पोस्ट लाइक करके सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी, तो लोग इनके रिश्ते में दूरियां आने के लिए श्वेता और जया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अब इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें बच्चन फैमिली के इकलौते बेटे अभिषेक अपनी माँ जया बच्चन, बहन श्वेता बच्चन नंदा और पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच फंसने को लेकर बात करते नजर आए हैं। जी हाँ, बीवी संग तलाक की अफवाहों के बीच अभिषेक का कहना है कि वो घर की तीन महिलाओं के बीच फंस जाते हैं। दरअसल अभिषेक से जुड़ा ये वीडियो एक थ्रोबैक इंटरव्यू का है, जिसमें वो फिल्म मेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ पहुंचे थे। अब शो के इस एपिसोड का वीडियो तो हम आपको कॉपीराइट इश्यूज की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको इस शो में हुई बातचीत को जरूर विस्तार से बताएंगे। तो शो के दौरान होस्ट करण ने अभिषेक से पूछा, क्या आप अपने परिवार और अपने पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच अपना समय संतुलित करने की कोशिश करते समय कभी टूटा हुआ महसूस करते हैं, और क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में तीन महिलाओं के बीच फंस गए हैं? इस पर अभिषेक जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है, पर मेरा इससे बहुत कम लेना देना है, क्योंकि मेरी माँ और ऐश्वर्या बहुत करीब है। वो हर चीज के बारे में बात करते हैं। जब एक महिला पहली बार अपने पति के घर आती है तो वो स्पष्ट रूप से थोड़ा अजीब महसूस करती है, लेकिन मुझे लगता है कि एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में उस कमी को भर सकती है वो उसकी सास है। अब अभिषेक के इस बयान से ये तो साफ है कि वो घर की महिलाओं के बीच में कम ही सही पर फंस जरूर जाते हैं, हालांकि वो इतने समझदार हैं कि वो इस सिचुएशन को भी मैनेज कर लेते हैं। वहीं बात बच्चन परिवार की करें तो हाल ही में जब ऐश्वर्या राय अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में अकेले पहुंची थी और बाकी बच्चन फैमिली अलग, तो इस नज़ारे को देख सोशल मीडिया पर लोगों को उनके रिश्ते को लेकर एक बार फिर से चिंता होने लगी थी। कई लोग ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच खटपट की वजह जया बच्चन और श्वेता बच्चन को ठहरा रहे हैं। लगातार इस कपल का अलग थलग रहना फैंस के मन में तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सभी यही चाहते हैं कि इनके बीच सब ठीक रहे और ये साथ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।